हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज है दिन 12 जुलाई और मॉर्निंग से ही जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कंटिन्यू हफ्ता हो गया है मुझे इस तरह से जो है आप लोगों को मौसम दिखाते दिखाते, क्योंकि हिमाचल की कंडीशन ही ऐसी है, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है और बिल्कुल थम नहीं रही है। जो है डे टाइम में थोड़ा सा जो है मौसम खुल जाता है, फिर वापस से जो है वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग का जो काम रहते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा सा लेट ही मॉर्निंग शुरू होती है। टाइम तो 7:45 बजे के आसपास हो रहा था। आदि को ये होता है कि सुबह सुबह ना उसे मेरे साथ ही जो है काम करना होता है। सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, तो बाकी सबके लिए तो मैंने आलू की स्टफिंग वाले परांठे बना दिए थे, अपने लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन का चीला। बेसन और आटा मिक्स करके आदि को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्टरनेटिव डेज में मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा उसे कुछ अलग दूँ। और यहाँ पे इसमें सिंपल, क्योंकि घर पे आजकल वेजिटेबल भी जो है हम कम ही ला रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, जो मार्केट में हमारे आसपास अवेलेबल है सब्जियाँ वही ला रहे हैं। तो बस थी नहीं कुछ ऐसी सब्जी, तो मैंने ना इसमें प्याज थोड़ा सा कट करके अजवाइन डाल के उस तरह से बना दिया। बाकी सबके लिए जो है मैंने आलू के स्टफिंग वाले पराठे बना दिए थे। दाल भी साथ साथ जो है चढ़ा दी थी, क्योंकि फिर ठीक रहता है लंच के लिए भी ना, इजीनेस हो जाती है। और बस यहाँ पे जो है चीला भी बन के तैयार है। और दिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि आजकल बारिश में ना कहीं जाने का भी नहीं है, और उठने के बाद जो है फिर ऐसा लगता है कुछ अजीब सा, मतलब अच्छा अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश फ्रेश फील नहीं होता है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू लगी हुई, ऐसा लग रहा है कि डंप से हो गए एक जगह पे। मौसम खुला हो तो ना फिर हर चीज़ करने का मन भी करता है। तो आज मैंने ना सोचा था कि आज जो है मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी। मौसम तो ख़राब था, सूखेंगे तो नहीं, बट फिर भी जो है करने तो थे, बहुत इनके इकट्ठा हो गए थे, तो सोची थी आज थोड़ा लॉन्ड्री सेक्शन अपना वो थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, उसको जो है क्लियर कर दूँ। गया है बारिश वाला, और मैं जस्ट अभी जो है किचन से फ्री हुई हूँ ब्रेकफास्ट बना के। आदि को छोड़ दिया मैंने शॉप पे, और अब जो है मैं सोचूँ कपड़े वॉश कर लेती हूँ। आज ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हुए हैं, मैं मायके से आई उसके बाद जो है बारिश कंटिन्यू लगी थी, लाइट भी नहीं थी पिछले कल, तो अभी लाइट है तो मैं सोचूँ फ़ायदा उठाया जाए लाइट का और कपड़े वॉश कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं दूँगी, तो पिछले कल मेरे पास कोई काम नहीं था, बट जब होता है ना तो आदि को ना शॉप पे छोड़ दिया था, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्किन केयर कर ली हूँ, शावर ले लिया था। एक बार जो है कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, अब जो है थोड़े से और डाल के रखे हैं, क्योंकि सूखने का वो रहता है ना कि फिर, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े करके डालती हूँ और बाहर देखती हूँ मौसम की कंडीशन कैसी है। सोचा था कि थोड़ी से तो खुल जाएगा, पर बिल्कुल भी नहीं खुला, थोड़ी सी भी धूप नहीं है, बस ऐसे ही जो है मुझे सुखाने पड़ेंगे थोड़े से बाहर ही, उसके बाद जो अंदर ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लॉट में कपड़ों का डाल रही थी, और आदि महाराज इसको इसके पापा ने छोड़ दिया था मेरे पास, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। अब मुझे ना इसको सुलाना है, उसके बाद जो है फिर लंच वंच भी बनाना था। टाइम तो बता दूँ तो 12 बज रहे थे, 12:30-12 बजे के अराउंड हो रहा था। और मौसम देखिए सेम वैसा ही है जैसा मॉर्निंग में था, थोड़ा सा भी ना साफ नहीं हो रहा है, अजीब सा ही लगता है ऐसे मौसम में ना, पर बरसात वाला मौसम होता ही ऐसा है। और आजकल ना मन में डर सा बैठ गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर सुबह जब भी हम उठ रहे हैं ना, और वैसे ही जो है कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, कहीं पे लोगों की डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो रोड भी बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं हिमाचल में, और अभी ही हमारे पड़ोस में अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी थी, और एक अंकल है उनके जो है वो उनकी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, और उस वजह वो भी एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ट्रैवल कर रहे थे कहीं से आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब एक ना ऐसा लगता है कि
जो है लाइफ का ना कुछ पता नहीं है, जब इस तरह से आप किसी देखे हुए इंसान को आप इस तरह से सुनने को मिलता है ना किसी देखे हुए इंसान के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना दिल सा टूट जाता है। मतलब लगता है ना कि लाइफ ना कुछ भी नहीं है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे इंसान भागता रहता है कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, बट देखा जाए तो लाइफ का ना कोई पता नहीं है कल को क्या हो जाए। सो यही है कि जस्ट लिव द मोमेंट, वो चीज़ होनी चाहिए। कल का किसी को कोई पता नहीं है और रिग्रेट वाली कोई चीज़ ही नहीं रखनी चाहिए लाइफ में कि हाँ कुछ छोड़ दिया या कुछ करना था वो नहीं हो पाया। इसलिए जो आपको लगता है वो कर लीजिए, जो आपके मन में है चीज़, क्योंकि वक्त का ना गाइस पता नहीं है कब क्या हो जाए हमारे साथ। क्योंकि इस तरह से जो न्यूज़ है ना वो सुनने को मिल रही है, दो चार लोग तो ऐसे थे जो मेरे नॉन में ही हैं, पिछले जो हफ्ते से मैं सुन रही हूँ जिनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा डर सा बैठ गया है मन में। आके फ्री हुई हूँ मैं, टाइम बता दूँ तो हो रहा है 12 बज रहे हैं और कपड़े पे वॉश कर दिए हैं। ब्रेकफास्ट मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि पहले मन नहीं कर रहा था, अब भूख सी लग रही है। सो मेरा ब्रेकफास्ट इकट्ठा मतलब लंच इकट्ठा हो जाने वाला है। और बस अभी मौसम जो है फिर से ख़राब होने वाला है, 10 से 15 मिनट देखती हूँ कपड़े बाहर डाले हैं, सूख जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर अंदर रूम में ही जो है एडजस्ट करने पड़ेंगे और फिर स्मेल सी चल पड़ती है ना। इसके बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट कर दूँगी, आदि को भी सुला दूँगी, वो शॉप से आ गया बहुत तंग कर रहा था, बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद बनाएंगे फिर लंच। सो चलिए फिर। दाल वगैरह तो सुबह ही पका के रखी थी मैंने, तो फटाफट से ना यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, और आदि इस टाइम पे सोया था तो मुझे अभी आटा भी गूंदना था और दाल भी बनानी थी, राइस भी चढ़ाने थे। तो दाल बनाने का तो इजी रहता है, दाल और चावल चढ़ाने का। आटा वैसे मैं गूंद के रखी हूँ पर आज ख़त्म हो गया था, तो सोचा चलिए शाम के साथ जो है गूंद लेती हूँ, शाम का काम भी फिर ईजी हो जाता है। इसके बाद ना मुझे कुछ एक काम अपने भी करने थे, तो मैंने सोचा फटाफट से टाइम से फ्री हो जाती हूँ। टाइम बता दो तो 1 बजे के अराउंड हो रहा था, 1-1.5 बजे के आसपास, और तो आदि भी अभी सोया था, तो बस जब सोता है ना उस टाइम पे ठीक रहता है, मुझे इजीनेस हो जाती है। क्योंकि अब तो ना बड़ा भी हो रहा है और ऊपर से जो है उसकी अभी हेयर कट भी नहीं की है, तो और ज़्यादा उसमें जो है चिड़चिड़ापन सा आ गया है। तो बस ये रहता है कि उठने के बाद उसे मम्मा चाहिए, मम्मा उसके साथ खेले, कोई ना कोई आदमी चाहिए उसके पास कि हाँ मेरे साथ जो है कोई खेलता रहे। और थोड़ी देर बाद बनाऊंगी क्योंकि अभी तो कोई घर पे था भी नहीं खाने वाला लंच, पर ये होता है ना कि अपने काम से फ्री हो जाते हैं फिर। और मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही लगी थी, कपड़े वपड़े बहुत सारे वॉश करने को हुए थे, बेड शीट वगैरह मैंने वॉश करके रख दी, मौसम तो ख़राब था बट क्या करना, फिर जो इकट्ठे हो जाते हैं ना और बच्चे के साथ वो डेली के डेली निकलते हैं, तो फिर और ऑप्शन नहीं था, तो सोचा कि चलो आज अगर लगी हूँ तो फिर जो है कंटिन्यू। फिर मेरा ये हो जाता है, होता है ना कई बार कि आपका जब मन करता है ना तो फिर मन करता है कि आप सारा घर का काम एक साथ ही कर लो। मेरे साथ ऐसा होता है, बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसा करता है, और जब नहीं करना है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। लंच वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई बाहर और कंडीशन मुझे ऐसी लगी कि बारिश होने वाली, क्योंकि मुझे अब थोड़ी देर रेस्ट करना था, तो मैंने सोचा फिर कपड़े वपड़े बाहर रह जाएंगे और मौसम ख़राब हो रहा था, तो इट्स बेटर कि इन्हें टाइम से जो है मैं साइड वाली बालकनी में ना वहाँ पे जो है इन्हें टांग देती हूँ ताकि सूख भी जाएंगे, और थोड़ी हवा चलती है ना यहाँ पे, और मौसम देखिए इस तरह का हो रखा था। सो बस यही था मेरा मॉर्निंग से अभी तक का रूटीन। आई होप आपने आज का जो है वो व्लॉग एंजॉय किया होगा, या आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं डू कमेंट लेट मी नो, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को गाइज। बाय बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव, स्टे होम, स्टे हेल्दी।